রবিবার একদিনে ঝটিকা সফরে এলেন কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর। দলীয় কর্মসূচির ফাঁকে এদিন বিকেল 4টে নাগাদ স্বামী বিবেকানন্দের বাড়িতে আসেন তিনি। স্বামীজির প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানানোর পর বেরিয়ে এসে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী জানান, কুস্তিগীরদের ধর্ণা আন্দোলনকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে দেখছে নরেন্দ্র মোদীর সরকার, এ বিষয়ে দোষী হলে কেউ ছাড় পাবে না, কাউকে আড়াল করবে না সরকার। রেসলিং কমিটি ভারতীয় কুস্তি সংঘকে खिलाफ जो भी आरोप लगे उसको सरकार ने बड़े धैर्य के साथ सभी पहलवानों को सुना, प्लेयर्स को सुना और बड़ी गंभीरता के साथ उस पर विचार करते हुए ओवरसाइट कमेटी का गठन किया है और तुरंत प्रभाव से जो टूर्नामेंट हो रहा था उसको भी रोका गया है। जो एडिशनल सेक्रेटरी थे विनोद तोमर, उनको भी निष्कासित किया गया है और ओवरसाइट कमेटी का आज आपको जानकारी भी मिल जाएगी, उसके नाम भी मिल जाएंगे और कल से वो अपना काम पे भी शुरू हो जाएंगे ताकि जांच हो सके, निष्पक्ष जांच हो सके, दूध का दूध पानी का पानी हो। और हमारे लिए खेल खिलाड़ी ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने खेलों के क्षेत्र में बहुत अच्छा करना शुरू किया है, वातावरण बदला है, बहुत अच्छा काम होना शुरू हुआ है और हम चाहते हैं आगे भी अच्छा हो। पाशापाशी राज्य सरकार के दायी करे तार मंतव्य, राज्य हिंसार जन्य कमछे बिनियोग। आप चुने हुए प्रतिनिधियों के खिलाफ भी हमला करते हो, पत्रकारों के खिलाफ भी हमला करते हो और चुनावों के बाद हिंसा का दौर चलता है, लोग अपने घर छोड़कर भागते हैं। इससे बंगाल की छवि को फर्क पड़ता है और बंगाल में लोग निवेश करने नहीं आते जिसके कारण यहाँ पर रोजगार के अवसर भी संकट खड़े होते हैं। तो ममता दीदी से मेरा इतना ही अनुरोध रहेगा कि ऐसे विधायकों के खिलाफ कार्रवाई भी करनी चाहिए। এদিন স্বামী বিবেকানন্দের সিমলার বাড়ি ঘুরে দেখেন কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী। স্বামীজির প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানানোর পাশাপাশি তার শিব মন্দিরেও পুজো দেন তিনি। ভিজিটার্স বুকেও শ্রদ্ধা লিপিবদ্ধ করেন তিনি। সঞ্জয় রায়চৌধুরী, রিপোর্ট, ওঙ্কার বাংলা।